प्यारे बच्चों, हम लोग प्रकाश चैप्टर में कुछ सामान्य बातों पर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने हेडिंग डाला था कि प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें छोटे छोटे तमाम पॉइंट्स पढ़े थे और उन पॉइंट्स के बाद हम लोग छोटे छोटे टर्म हेडिंग पढ़ रहे थे, जिसको हेडिंग हमने इंग्लिश में डलवाया था और हमने कहा था आप इंग्लिश में ही याद कर लीजिएगा। तो उसी में कुछ टर्म हमने बताया था आपको और कुछ टर्म और यहाँ समझ लीजिए। जब टर्म समझ लेंगे उसके बाद तब ये जो परिचय वाला चैप्टर है, प्रकाश का परिचय, ये ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ध्यान से सारे टर्म समझना, क्योंकि आगे यदि प्रकाश में कुछ पढ़ना है आपको और चीज़ों को सरल तरीके से पढ़ना है तो इन सारे टर्म की जानकारी आवश्यक है। बस यही है बेटा, हेडिंग जो इंग्लिश में डाले हैं उसको इंग्लिश में ही याद कर लीजिए और कुछ हिंदी जो सरल है वो हिंदी में भी हम हेडिंग डाल देंगे। तो जितना पढ़ चुके थे उसके आगे देखिए। अगला पॉइंट ये है, एक आता है आइसोट्रॉपिक मीडियम। आइसोट्रॉपिक मीडियम, अभी हेडिंग डाल लेना बस, हेडिंग के बाद हम परिभाषा बोलेंगे हिंदी में, तो उसको हिंदी में आगे लिख लीजिएगा। हेडिंग अभी एक एक हेडिंग हम डाल के तब एक परिभाषा समझाएंगे। अगला है एन आइसोट्रॉपिक मीडियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, उसके बाद है अंतरापृष्ठ, उसके बाद है आपतन बिंदु, उसके बाद है अभिलंब, उसके बाद है माध्यम एक एवं माध्यम दो। ठीक है, इतना पहले समझिए फिर आगे की बात। ये सारे हेडिंग पढ़ेंगे और एक एक को हम समझाते जा रहे हैं, आप अपने कॉपी पर इसकी परिभाषा लिखते जाइएगा। जैसे यहां पर हमने हेडिंग डाली है आइसोट्रॉपिक मीडियम, वह माध्यम। आइसोट्रॉपिक मीडियम समझिए क्या होता है, मीडियम माने माध्यम, वह माध्यम जिसमें विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की चाल एक समान होती है। जैसे आपको कोई माध्यम दिया गया और उसमें विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को संचरित कीजिए और हर दिशा में प्रकाश की चाल समान हो, तो ऐसे माध्यम को आइसोट्रॉपिक मीडियम कहते हैं। वह माध्यम जिसमें विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की चाल एक समान होती है उसे आइसोट्रॉपिक मीडियम कहते हैं। दूसरा है एनआइसोट्रॉपिक मीडियम, वह माध्यम जिसमें विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ऐसे माध्यम को एनआइसोट्रॉपिक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आइसोट्रॉपिक माध्यम का उदाहरण लिख लीजिए, जैसे जल, कांच, वायु आदि। एनआइसोट्रॉपिक का सबसे बढ़िया उदाहरण है क्वार्ट्ज। समझ गए? तो वह माध्यम जिसमें विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की चाल एक समान हो उसे आइसोट्रॉपिक मीडियम माध्यम, और वह माध्यम जिसमें विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो, यानी प्रकाश यदि अलग अलग दिशाओं में चल रही है तो हर दिशाओं में प्रकाश की चाल अलग अलग हो, ऐसे जितने माध्यम हैं उनको एनआइसोट्रॉपिक माध्यम कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है क्वार्ट्ज। अब आता है आपतित किरण। अब यहां इन सभी को एक चित्र के माध्यम से समझिए।
जैसे मान लीजिए नीचे हमने यहां जल है, ये दिखाया है फिगर में, ये मान लीजिए जल है और ये वायु है। ध्यान से समझिए, यहां पर दो माध्यम हमने आपको दिखाया है, एक जल एक वायु। ये बीच में एक पृष्ठ आपको दिखाया गया है, ये जो इन दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, ये पृष्ठ आप देखिए ध्यान से, तो ये दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, यानी इसके ऊपर वायु है नीचे जल है, तो इसको हम MN पृष्ठ मान ले रहे हैं। तो वह पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है, ऐसे पृष्ठ को अंतरा पृष्ठ कहते हैं। ये वह पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है उसको अंतरा पृष्ठ कहते हैं। तो अंतरा पृष्ठ की परिभाषा हो गई कि वह पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है उसी को अंतरा पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक प्रकाश की किरण हम ऐसे भेजें, अब आप देख रहे हो कि ये प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में जा रही है, ध्यान देना। तो जो प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ की तरफ आती है, ये सब यदि आप नहीं जानोगे तो आगे के एक भी चैप्टर कायदे से समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि लाइट का हर चैप्टर में किरण आरेख बनाना है, डायग्राम बनाना है, और बिना डायग्राम कोई ना सवाल लग पाएगा ना कोई फार्मूला डिराइव हो पाएगा। इसलिए इस बात को, ये छोटी छोटी जो बातें बता रही ध्यान से समझिए, आगे बताएंगे नहीं हम। तो यह जो किरण दिखाई दे रही है यह अंतरा पृष्ठ की तरफ आ रही है, यही अंतरा पृष्ठ है हमारा, लिख दीजिए अंतरा पृष्ठ। तो यह प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ की ओर आ रही है, तो जो प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ की तरफ आती है उसी को आपतित किरण कहते हैं, उसी को आपतित किरण, इसका नाम AO रख दे रहे हैं, और ये आपतित किरण हो गई, आपतित किरण, ठीक। तो जो प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ की ओर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो अंतरा पृष्ठ से दूर जा रही है ये, इसका नाम हम OB रख दे रहे हैं, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं, समझ गए। जो अंतरा पृष्ठ से दूर जा रही है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, और यदि जिस माध्यम में आपतित किरण है उसी माध्यम में कोई यदि प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ से दूर जा रही हो, ध्यान से देखना है आप, ये भी किरण अंतरा पृष्ठ से दूर जा रही है और ये भी किरण अंतरा पृष्ठ से दूर जा रही है, तो अंतर क्या है कि जिस माध्यम में आपतित किरण है यानी वायु में, उसमें जो प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ से दूर जाएगी वो परावर्तित किरण कहलाती है, और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ से दूर जा रही है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। तो आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण भी हो गया, परावर्तित किरण भी हो गया। अब देखिए, आपतित किरण अंतरा पृष्ठ को जिस बिंदु पर काटती है, जैसे आपतित किरण आ रही है तो ये अंतरा पृष्ठ को जिस बिंदु पर काटती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं, यानी वो हमारा आपतन बिंदु है, ठीक। अब एक ऐसी रेखा खींचिए, ये आपतन बिंदु हो गया, अब एक ऐसी रेखा खींचिए जो आपतन बिंदु से होकर जाए और अंतरा पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाती हो। जैसे देखिए हमने एक रेखा खींच दी, ये आपतन बिंदु से होकर जा रही है और अंतरा पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बना रही है, तो इसी रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब की परिभाषा क्या हो गई, वह रेखा, इसका अभिलंब का नाम हम M डैश N डैश रख दे रहे। तो अभिलंब की परिभाषा लिख लेना है कि वह रेखा जो आपतन बिंदु से होकर जाती हो और अंतरा पृष्ठ पर लंबवत हो, अंतरा पृष्ठ के लंबवत हो,
ऐसी रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो अभिलंब भी हो गया। अब यहाँ आता है माध्यम एक एवं माध्यम दो। जिस माध्यम में आपतित किरण संचरित होती है, चलती है, वही माध्यम एक है, और जिसमें अपवर्तित किरण संचरित होती है वही माध्यम दो है। जैसे मान लीजिए आपको हमने कोई दो माध्यम दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को माध्यम एक मान लिए, किसी को माध्यम दो मान लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए दो माध्यम दिया गया, हम इसको माध्यम एक इसको माध्यम दो मान ले रहे हैं। जिस माध्यम में आपतित किरण होती है वह माध्यम एक, और जिसमें अपवर्तित किरण होती वह माध्यम दो। यानी आपतित किरण ये है, ये किस माध्यम में है, वायु में, तो वायु हो गया माध्यम एक, और अपवर्तित किरण किस माध्यम में है, जल, तो ये हो गया माध्यम दो, ये हो गया माध्यम दो। ठीक है, तो माध्यम एक भी हो गया और माध्यम दो भी हो गया। ठीक है ना, तो इतने बातों को हेडिंग डाल करके सारी परिभाषा लिख लेना, और परिभाषा लिखने के बाद लास्ट में ये सारे चीजों को इस फिगर द्वारा दिखा दीजिएगा। ठीक है ना, अब आगे के पॉइंट्स देखिए। आप पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। हम अपने सारे बेला के बच्चों से कह रहे हैं कि हम आपकी सारी की रिपोर्ट लेंगे, यदि आपकी रिपोर्ट अच्छी लगी तो मैं आगे अभी दो तीन दिन में और ज़्यादा आपके लिए सुविधा और मेहनत देने वाला हूँ, ये ध्यान देना। और यदि हम आपकी मेहनत हमको अच्छी नहीं लगी तब वो सारी सुविधाएँ आपकी बंद रहेंगी। इसलिए बेला इंटर कॉलेज मंगलपुर कुशीनगर के बच्चे ध्यान दें, आपका मैं अभी टेस्ट लूँगा, आपका मैं ऑब्जर्वेशन करूँगा, तो यदि आप मेहनत से पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो तो दो तीन दिन बाद आपके लिए और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ेंगी, और एकदम फिजिक्स रटा दूँगा, कठिन नहीं लगेगा, इंजॉय करके पढ़ना पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए जितना बता रहा हूँ मेहनत से पढ़िए, और जो मैं पूछूँगा सबसे वीडियो कॉलिंग से बात करूँगा मैं, और मैं सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, हमें सारा कोर्स तैयार चाहिए, दो दिन के अंदर आप तैयार रखिए। अगली हेडिंग सघन एवं विरल माध्यम, सघन एवं विरल माध्यम। देखिए यदि आपको कोई माध्यम दिया हुआ है, जैसे जल दे दिया गया, कांच दे दिया गया, ग्लिसरीन दे दिया गया, तेल दे दिया गया, वायु दे दिया गया, कोई एक माध्यम दिया गया, और पूछा जाए कि इसमें से कौन सघन है कौन विरल, तो आप नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में इतने बच्चे हैं, हम किसी एक बच्चे को खड़ा करके पूछे बेटा बताओ ये पढ़ने में तेज है कि कमज़ोर है, तो आप कभी नहीं बता पाएंगे। हाँ, जब उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करेंगे तो ये जवाब आप दे सकते हैं कि सर फला स्टूडेंट इसकी तुलना में कमज़ोर है या इसकी तुलना में तेज है। तो जिस तरह से आप किसी बच्चे की वीकनेस और ब्रिलियंस, यानी वो पढ़ने में तेज है कमज़ोर है, ये किसी दूसरे बच्चे की तुलना में ही बता सकते हैं। उसी तरह से यदि कोई माध्यम दिया जाए तो वो सघन है कि विरल अकेले नहीं बता सकते, जब तक कि उसकी तुलना किसी और माध्यम से ना कीजिए। तो सघन क्या है, विरल क्या है, ये हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।